आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर स्वास्थ्य सुरक्षा किट और लेखन सामग्री का किया गया वितरण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंडिया फेडरेशन और वर्किंग जर्नलिस्ट नई दिल्ली बिहार इकाई एवं यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन और इंडिया बिहार स्टेट ब्रांच की ओर से दानापुर खगौल और फुलवारी शरीफ के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों के बीच कोरोना संक्रमण को ध्यान में रख स्वास्थ्य सुरक्षा किट और लेखन सामग्री का वितरण किया गया। इंडियन फेडरेशन और वर्किंग जर्नलिस्ट बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ध्रुव कुमार, महासचिव सुधीर मधुकर ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के विक्रम राव के दिशा निर्देश पर किसी तरह का आयोजन नहीं किया जा रहा है। इसके जगह वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बीच जान को जोखिम में डालकर जो मीडियाकर्मी भी कोरोना योद्धा के रूप में दिन रात समाचार संकलन के साथ साथ लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है, वैसे मीडियाकर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर उनके जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सुरक्षा किट और लेखन सामग्री दिया गया। विश्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के विक्रम राव, महासचिव विपिन धूलिया, उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौर एवं मोहन कुमार, सोशल मीडिया प्रभारी विश्वदेव राव, बिहार प्रदेश के प्रमोद दत्त, मुकेश महान, अभिजीत पांडे, राम नरेश ठाकुर, महेश प्रसाद, डॉक्टर प्रवीण कुमार, प्रदीप उपाध्याय, प्रभास चंद्र शर्मा, बीना बेनीपुरी, सत्यनारायण चतुर्वेदी आदि ने अपने अपने संदेश में देश भर के मीडियाकर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की थीम फियर या फेवर के बिना पत्रकारिता है। हमें समाज, देश और लोकतंत्र के हित में बिना डर या पक्षपात के पत्रकारिता के अपने मिशन हर हाल में जारी रखना है और जारी रखेंगे। आम जनता के अधिकारियों के साथ साथ लोकतंत्र की सुरक्षा और सच को सामने लाना मेरा कर्तव्य भी है, इसे नहीं भूलना चाहिए। वहीं सरकार, प्रशासन और मीडिया हाउस को भी चाहिए कि यह तभी संभव है जब पत्रकारों की सुरक्षा की देखभाल करे, समुचित सम्मानजनक वेतनमान के साथ अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान करें। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, जिसे विश्व प्रेस दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करना, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए संवाददाताओं की यादों को सहेजना है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के साथ प्रेस को चौथा खंभा माना जाता है। प्रेस इनको जोड़ने का काम करती है। प्रेस की स्वतंत्रता के कारण ही कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को मजबूती के साथ आम आवाम की भाव अभिव्यक्त करने का अवसर हासिल हुआ है। प्रेस के लिए जरूरी है कि वे अपनी भूमिका पर खरा उतरे, खासकर जब देश में महामारी हो, तब ऐसे संकट में प्रेस की भूमिका अहम होता है। लॉकडाउन के दौरान जनता के नियमों का पालन कराने के लिए प्रेस ने लगातार सचेत किया। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के जो प्रावधान हैं, उनके मुताबिक प्रेस जनता को जागरूक करने में अपनी भूमिका सदा ही निभाता रहा है। इस साल कोरोना रूपी महामारी में प्रशासन दिशा निर्देशों को प्रेस और मीडिया ने लगातार जनता तक पहुंचाया। अफवाहों को रोकने में भी प्रेस की अहम भूमिका रही है। प्रेस की स्वतंत्रता ताकि समाज की बुराइयों की और प्रशासन का ध्यान भी आकृष्ट कराया जा सके। नमस्कार, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस से आशय आम आदमी के उसके मूल अधिकारों की स्वतंत्रता से है। मीडिया जनता की आवाज है, पत्रकार सब बातें जो लोगों के मन में होती है, जो सरकार से, सत्ता से सवाल होते हैं, वो पत्रकारों के माध्यम से लोगों के सामने आता है। निश्चित तौर पर आज का दिवस एक तरह से वायदा है पत्रकारों की तरफ से, मीडिया कर्मियों की तरफ से, कि हम बहुत निष्पक्ष रहेंगे, हम बिना किसी भेदभाव के, हम बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भय के, हम सच को सामने लाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है किसी भी सभ्य समाज के लिए, सभ्य राष्ट्र के लिए। शायद यही कारण है कि पूरी दुनिया में इस बात के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 में आज के दिन को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। और हम सब, पूरी दुनिया के लोग जो प्रेस की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं, वो इस दिवस को मनाते हैं। दिक्कत यह है कि अभी हम हाल में देख रहे हैं किस तरह से कोरोना, COVID-19 के कारण जान जोखिम में डालकर पत्रकारों ने मानवता की सेवा की, सच को सामने लाया, कोशिश की कि सरकार की मदद हो सके, जितनी मदद हो सके वो की जाए,
क्योंकि ये लड़ाई पूरी मानवता की लड़ाई थी, पूरी दुनिया में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन देखना यह है कि क्या इन परिस्थिति में जिस तरह से पत्रकारों ने काम किया, जान जोखिम में डालकर, भेदभाव उनके साथ होने लगा है। सूचना मिली है कि कई मीडिया हाउस मार्च अप्रैल की तनख्वाह उन्हें पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं, या तो नहीं दे रहे हैं या फिर उसमें कटौती कर रहे हैं। कई राज्यों ने कोरोना के कारण मरने वाले लोगों की संख्या सही सही नहीं पहुंचाने देने का दबाव पत्रकारों पर डाला है। कई ऐसे सामने आए, कई राज्यों की इस तरह की बातें सामने आई है पत्रकार मित्रों के माध्यम से। ये कहीं ना कहीं से बाधा है। ऐसे में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की मान्यता खतरे में पड़ने लगती है। जरूरत है कि हम ऐसे समय में एकजुट हों और ये ऐसा माहौल हम सब क्रिएट कर सकते हैं कि जो सच है, जिसके लिए प्रतिबद्ध हैं पत्रकार मीडिया कर्मी, जिसके लिए दिन रात लगे रहते हैं, वो जनता के प्रति समर्पण उनके कार्यों में दिखे और इसमें मीडिया हाउसेस भी सहयोग करे, सरकार भी सहयोग करे। सत्ता, हालांकि सत्ता और माफिया से उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन पत्रकारों का यह दायित्व है और उस दायित्व के निर्वहन में आम जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। इसीलिए इस दिवस को पूरी दुनिया में पत्रकार लोगों के साथ मिलकर ये याद कराते हैं और अपनी तरफ से वायदा करते हैं कि हम आपके लिए हैं, आपकी जो दिक्कतें हैं उसको सामने लाने के लिए, आपके जो अधिकार हैं, जो संविधान सम्मत हैं, उसको हम किसी भी तरह से जान की बाजी भी लगाकर पूरा करेंगे। एक बार फिर से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज 3 मई को पूरे विश्व में प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन आपको मालूम है सबों को कि देश में जो है महामारी जो है कोरोना संक्रमक जो है एक महामारी की तरह फैला हुआ है और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है एक बहुत बड़ा मायने रखता है। इस परिस्थितियों में हमारे इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनका के विक्रमड़ा, उनका दिशा निर्देश है कि कोई आयोजन नहीं हो, अपना जो है एक सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रख करके कार्यक्रम आयोजित करें। तो हम लोगों ने जो हमारे पत्रकार बंधु हैं जो जान में जोखिम डाल कर करके इस कोरोना संक्रमण के बीच समाचार संकलन करते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम एक कोरोना योद्धा की कर रहे हैं, तो दानापुर, फुलवाड़ी, खगौल के जो पत्रकार आसपास के हैं उसके लिए हम लोगों ने किट, सुरक्षा किट और जो लेखन सामग्री है उसका वितरण कर रहे हैं। पत्रकार बंधु क्या कहना चाहिएगा? हाँ, आज जो है, आज 2020 का थीम है निडर होकर के बिना पक्षपात का पत्रकारिता। तो इस माहौल में निश्चित रूप से हम कहेंगे पत्रकारिता जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर हम निडर और निष्पक्ष होकर के काम नहीं करेंगे तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। लेकिन दूसरी ओर सरकार और प्रशासन और जो मीडिया हाउस से हम यही कहेंगे कि अगर इसको निडर और निष्पक्ष रखना है तो सुरक्षा प्रदान करना पड़ेगा, इनकी मूलभूत सुविधाओं का भी ख्याल रखना पड़ेगा। श्रम दिवस के पश्चात 3 मई आज विश्व प्रेस दिवस, यूं कहा जाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर सभी कलम के सिपाहियों, श्रमजीवी साथियों को हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आजकल इंटरनेट नया माध्यम है, उसके माध्यम से होने वाली पत्रकारिता को लेकर कानून भी अभी लचीले हैं, जिनका फायदा उठाकर लोग पत्रकारीय नैतिकता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि सरकार इनके खिलाफ कदम उठाने की बात करती है तो क्या बुरा है, यानी खतरा हमारे भीतर है। हमारी पत्रकारिता एक तरह से खुद पर हमले को न्योता दे रही है। कल तक जो जनता पत्रकारिता के पक्ष में खड़ी नजर आती थी वही आज इसकी बुराई करने लगी है। पत्रकारिता से अजीज आकर लोग फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया की तरफ भाग रहे हैं। जरूरी है आज के पत्रकार अपनी आजादी की रक्षा खुद करें। एक समय था जो नैतिक
सचमुच पत्रकारीय मूल्यों के प्रति वफादार होते थे वह प्रेस जगत में आते थे। आज ऐसी स्थिति है कि स्वतंत्र विचारधारा एवं नैतिक मूल्यों के साथ पत्रकारिता करने वाले लोग सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार और सिस्टम से हम यह मांग करते हैं कि सरकार पत्रकारों के प्रति अपनी वफादारी निभाए। देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इनके नैतिक मूल्यों को बचाए, वेतन आदि की भुगतान करे, साथ ही सुरक्षा का भी बंदोबस्त होना चाहिए। पत्रकार जब सुरक्षित नहीं होंगे निश्चित तौर पर उनकी नैतिकता भटकेगी, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित होगा। धन्यवाद।